मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। सरकार पेड़ लगवावे, अधिकारी कटवाएं। जी हां, पूरा मामला है ग्राम भवनापुर चट्टावन ब्लॉक रजपुरा थाना मुंडाली तहसील मेरठ में। राज्यसभा सांसद विजय पाल तोमर की निधि से 25 लाख रुपए के पक्के नाले का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें ठेकेदार राजू व जेई सचिन कुमार द्वारा नाले को आधा तिरछा बनाकर गांव के ही कृषक लव कुमार पुत्र स्वर्गीय मोहन सिंह की जमीन में लगे आम के छायादार व हरे फलदार पेड़ को ग्राम पंचायत की जगह में बताकर वन विभाग मेरठ से हरे पेड़ को काटने का आदेश भी जारी करा लिया। हरे पेड़ के काटन को रोकने के लिए कृषक लव कुमार का परिवार आज उप जिलाधिकारी सदर अंकित खंडेलवाल के समक्ष उपस्थित हुआ। पीड़ित परिवार ने बताया कि गांव के कुछ लोग और ठेकेदार गलत नियत से पेड़ को काटकर पैसा बनाने में लगे हुए हैं। पेड़ के नीचे उनके पितृ देवताओं का मंदिर भी बना हुआ है। यदि पेड़ को काटा जाता है तो उसके चलते मंदिर को भी नुकसान होगा। गांव में पहले भी कई पेड़ बिना किसी आदेश के काटे जा चुके हैं। उप जिलाधिकारी ने एडीओ और लेखपाल को जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा है। पीड़ित परिवार के साथ सारथी संस्था की अध्यक्ष कल्पना पांडे, अशोक कुमार और पत्रकार प्रेस महासंघ नेशनल सेक्रेटरी सरवेन चौहान, मयंक वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। एमआईए थाना अंतर्गत कैसरोली में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। जी हां, एमआईए थाना पुलिस की शानदार कार्रवाई, जिन्होंने 24 घंटे से भी कम समय में किया महिला हत्या का पर्दाफाश। जी, जहां कहावत है कि पुलिस चाहे तो चोर को बिल में से भी बाहर निकाल लाती है, कानून के हाथ भी लंबे होते हैं। जी हां, ऐसा ही हुआ कल शाम 5 बजे कैसरोली गांव में अपने फॉर्म पर रह रही नर्मदा पत्नी हरिश्चंद उम्र 65 साल की हत्या कर दी गई थी, जिसकी खबर गांव के लोगों ने एमआईए थाने को दी। तुरंत प्रभाव से थानाधिकारी शिवराम गुर्जर मौके पर पहुंचे, जिन्होंने तुरंत सूचना उच्च अधिकारियों को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर मौका निरीक्षण किया। सभी अधिकारियों ने एक टीम गठित की मुलजिम तक पहुंचने के लिए, जिसमें एमआईए थानाधिकारी शिवराम गुर्जर, नरपत सिंह हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह। मुझे हत्या के आज खुलासा हुआ था, इसके बारे में जरा बताइए। कल शाम को SHO MIA शिवराम सिंह जी को सूचना मिली थी कि एक मर्डर हो गया है ग्राम कैसरोली में। उस इत्तला पर तुरंत मौके पर SHO साहब पहुंचे, उन्होंने जरिए टेलीफोन उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। उसके बाद SP साहब, श्रीमान एडिशनल साहब, मैं, ASP थानागाजी, CO साउथ दीपक जी, सभी मौके पर पहुंचे। उसके बाद मौके पर ही FSL टीम और डॉग स्क्वाड को बुलवाया गया, सीन ऑफ क्राइम का पूरी तरह से निरीक्षण किया गया। उसके बाद आज पूरी टीम रात भर कल लगी रही अपने आरोपी के तलाश में, फिर आज उसको गिरफ्तार किया गया है। मामले में अनुसंधान जारी है।